दूसरी तरफ नदीम खान साहब सदर एजुकेशन डिपार्टमेंट एपका और इस्लाम कुरैशी साहब जनरल सेक्रेटरी और मेरे सुप्रिंटेंडेंट समान भाई बैठे हैं। आज 6 तारीख है। मैं सबसे पहले जो है तमाम दोस्तों को यही मैसेज करूंगा कि ये इस मैसेज को जितना शेयर किया जा सकता करें कि कल का जो 5 का एहतजाज था, खुसूसी तौर पर मैं रावलपिंडी के दोस्तों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने कल जो है बहुत बड़ा एहतजाज करके रैली निकाल के मैंने देखा कि उन्होंने मेहनत की थी, जदोजहद की थी। इसी तरह पंजाब के हर जिले में अल्हम्दुलिल्लाह कल हर जिले में अच्छा एहतजाज हुआ है और इंशाल्लाह 12 तारीख को मुल्तान में जो एहतजाज मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में होने जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी बहुत बड़ा एहतजाज होगा। आज मैंने इंतजामिया को भी लेटर लिख दिया है कि हमें जो है सिक्योरिटी फ्रेम की जाए। हमने 12 को आर्ट्स काउंसिल में इकट्ठे होकर प्रेस क्लब तक रैली निकालनी है और मैं तमाम अपने मुल्तान के टीचर लोधरा खानेवाल बिहारी और तमाम एपका के यूनिटों को, तमाम मुलाजमीन वासा जितने भी हमारे पीएमए के पीएचए के एमडीए के यूनिवर्सिटी बोर्ड सब मुलाजमीन ने वहां पर पहुंचना है और 10 बजे हमने इकट्ठे होना है, उसके बाद प्रेस क्लब तक रैली निकालनी है। तमाम स्कूल उस दिन जो है बंद होंगे और तमाम टीचर एहतजाज में शामिल होंगे तो इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज जिस तरह पिंडी में रिकॉर्ड करवाया तमाम शहरों में, इंशाल्लाह इसी तरीके से 12 तारीख को भी तमाम पंजाब के जिला में वफाक में केपीके में भी इंशाल्लाह कल हमारी जो मीटिंग हुई है नेशनल प्रेस क्लब में कमेटी रूम में वहां पर फैसला हुआ है कि वफाक में भी जो हमारा शेड्यूल है ये वो भी इसी को फॉलो करेंगे, केपीके वाले भी फॉलो करेंगे और उसके बाद पंजाब के 7 नवंबर के धरने के बाद वफाक में भी धरना दिया जाएगा। पेंशन ग्रेजुएटी को और लीव एंड कैशमेंट को हर सूरत में हमें बचाना है इंशाल्लाह। मेरा पैगाम है तमाम मुलाजमीन तैयार हो जाए और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल को हमें हर सूरत कामयाब करना है और अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात ना मानी तो फिर लाहौर में बहुत बड़ा जो है इंशाल्लाह दमादम अस्कल अंदर होगा। तो इंशाल्लाह मुलाजमीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि तैयार हो जाए अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए, इंशाल्लाह फतह कामरानी उनके कदम चूमेंगी। मेहरबानी, शुक्रिया।